चलती हुई ट्रेन में एक व्यक्ति को अधमरी हालत में धक्का दे दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक को कुछ लोगों द्वारा बुरी तरह से बेल्टों से पीटा जा रहा है। पीड़ित आसिम हुसैन पुत्र श्री स्वर्गीय शाहिद हुसैन निवासी पीरजादा कटघर निकट नूर मस्जिद मुरादाबाद का निवासी है। पीड़ित दिनांक 12 जनवरी 2023 को रात पद्मावत एक्सप्रेस से दिल्ली से मुरादाबाद के लिए जनरल बोगी से रवाना हुआ। रास्ते में हापुड़ स्टेशन पर रेलगाड़ी रुक गई, तभी 8 से 10 अज्ञात व्यक्ति रेलगाड़ी में सवार हो गए। 8 से 10 व्यक्तियों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, तभी उपरोक्त व्यक्तियों ने पीड़ित के पास आकर दाढ़ी पकड़कर खींची और कहने लगे कि तू चोर है, और बुरी तरह से लाते घूसों से मारने लगे और जय श्री राम के नारे लगवाए। जब पीड़ित ने नारे नहीं लगाए तो उपरोक्त 8 से 10 व्यक्तियों ने पीड़ित के सारे कपड़े उतार लिए और पीड़ित के पास रास्ते में खर्च के रखे 2200 रुपये भी छीन लिए और कमर की चमड़े की बेल्ट से पीड़ित को मारने लगे। आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित को कितनी बुरी तरीके से बेल्टों से पीटा जा रहा है और पीड़ित की कमर में बेल्ट के निशान भी हैं। पीड़ित ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की तथा डिब्बे में सवार लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन पीड़ित की मदद को कोई नहीं आया। सब लोग ऐसे ही तमाशा देखते रहे। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा पीड़ित को मारते अधमरा कर दिया गया। ये सब लोग पीड़ित को जान से मारकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, किंतु सवारियों में से किसी एक व्यक्ति को पीड़ित पर रहम आ गया तो उसने पीड़ित को मुरादाबाद स्टेशन के आउटर पर अधमरी हालत में धक्का देकर फेंक दिया। दूसरे डिब्बे में सवार पीड़ित के परिचित व्यक्ति ने पीड़ित को नग्न अवस्था में देखा तो अपने कपड़े पहनाए और अपने घर लाए। इसी के संबंध में आज आसिम हुसैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मैं दिल्ली से मुरादाबाद के लिए चला तो हापुड़ के बाद आखिरी स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो गाड़ी में कुछ लोग चढ़ गए तो भीड़ पहले से ही थी और ज़्यादा भीड़ हो गई। फिर उसके बाद भीड़ की वजह से धक्केबाजी होने लगी। उनमें से एक शख्स बोला कि ये मुल्ला चोर है। उसके बाद चारों तरफ से लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर उनमें से ही एक शख्स बोला कि इससे जय श्री राम के नारे लगवाओ। जब मैंने मना करा तो उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए और उसके बाद मुझे लेटाकर चलती हुई ट्रेन में ही बेल्टों से बहुत ज़्यादा मारा और मेरे कपड़ों में 2200 रुपये रखे थे वे भी निकाल लिए और मेरी दाढ़ी पकड़कर भी खींची है। इसी के संबंध में अपर्णा गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि परसों रात पद्मावत एक्सप्रेस में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की सूचना वहां पर मौजूद एस्कॉर्ट कर्मियों को मिली थी। जब एस्कॉर्ट कर्मी मौके पर पहुंचे तो पीड़ित वहां से जा चुका था, किंतु वहां पर मौजूद दो लोगों को जनता के कहने पर पकड़ लिया था और बरेली जंक्शन में लाकर उनको GRP के सपूत किया गया था। काफ़ी वक्त इंतज़ार किया गया, वादी कोई नहीं आया। जब वादी कोई नहीं आया तो शांति भंग में उनका चलान किया गया। कल रात पीड़ित लगभग 9:30 बजे GRP जंक्शन मुरादाबाद पर उपस्थित हुआ और उसने एक तहरीर दी है कि उसके साथ मारपीट हुई है, जिसके आधार पर FIR पंजीकृत कर ली गई है समुचित धाराओं में और मेडिकल भी करा लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? आसिम हुसैन। आसिम जी, क्या है? मैं दिल्ली से मुरादाबाद के लिए चला और मुरादाबाद के जब चला तो हापुड़ के बाद आखिरी स्टाप में मतलब वो रुकी गाड़ी, तो उस पर कुछ लोग चढ़े और गाड़ी में भीड़ पहले से थी, फिर और ज़्यादा भीड़ हो गई। ऐसी गाड़ी चलते चलते काफ़ी देर हो गई, कम से कम 10-15 मिनट हो गए, और बच्चा धक्काबाजी होने लगी भीड़ की बिना पर। उसमें से एक शख्स बोला कहना, अरे ये मुल्ला चोर है ये। तो जब ऐसे ही उन्होंने क्या मुल्ला चोर है, तो एकदम चारों तरफ से लोग मारना चालू कर दिया बुरी तरह। और फिर इसके बाद में फिर एक शख्स बोला पीछे से, बोले इसे जय श्री राम के नारे लगवाओ। मैंने ऐसे मना कर दिया तो उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए और फिर मुझे लिटाल के भी इतना मारा, बेशुमार मारा, और मेरे पास मेरे कपड़ों में 2200 रुपये थे वो भी निकाल लिए। बेल्टों से मारा था सर, पीछे से एक आदमी ने पकड़ लिया था, पीछे पकड़ा हुआ था, पता नहीं क्या था, हमें तो पता नहीं, तो बिल्कुल नर्वस से हो गए थे बहुत ज़्यादा वाला, कुछ समझ कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था सब, और दाढ़ी पकड़ के भी हैंची हैंची खूब। मार रहे सब जन मार ही रहते, बेल्टों से कोई घूस है सब, इस तरह से
कोई थप्पड़, कोई घूंसा, कोई लाते, सब जगह धड़ाप ऐसी कर रहे थे। ट्रेन के अंदर ही मान रहे थे, ट्रेन चल रही थी, ट्रेन चल रही, ट्रेन ने मारा हमें। फिर जब यहाँ पे प्लेटफार्म में गाड़ी लग गई तो एक उसी डिब्बे में एक शख्स, क्योंकि हमदर्दी में उनने मुझसे बोला जाओ एकदम निकल के भाग जाओ यहाँ से, उन्हें छुड़वाया मैं ऐसी ट्रेन में से निकलवा दिया एकदम। और मैं नंगा निकल के आया, खाली पैंट पहना हुआ था, कपड़े थे नहीं मेरे। फिर मुझे एक मेरे मिलने वाले एक मुझे मिल गए गेट के बाहर, मैंने उनसे आवाज़ उनको बुलाया, आवाज़ लगाई तो उन्होंने मुझे अपनी बंडी दी। मैंने शिकायत कल नहीं कर, उस दिन तो करी नहीं थी 12 तारीख में, आज मैंने करी, मैंने आज करी, कल करी थी, कल करी थी, हो गई। ये अभी पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं बता तो रहे हैं, दो लोग गिरफ्तार हो गए थे उनके में पता नहीं अभी, इंसाफ देखिए। ये परसों रात पद्मावत एक्सप्रेस में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की सूचना वहाँ पे मौजूद एस्कॉर्ट कर्मियों को मिली थी। जब एस्कॉर्ट कर्मी मौके पे पहुँचे तो जो पीड़ित था वहाँ से जा चुका था, किंतु उन लोगों ने दो लोगों को जनता के कहने पर पकड़ लिया था और बरेली जंक्शन में ला के उनको GRP को सुपुर्द किया था। कोई वादी, काफ़ी वेट किया गया, वादी कोई आया नहीं था, तो शांति भंग में उनका चालान किया गया था इन दो व्यक्तियों का। अब कल रात लगभग 9:30 बजे पीड़ित GRP मुरादाबाद जंक्शन पर उपस्थित आया और उसने एक तहरीर दी है जिसके आधार पर कि उसके साथ मारपीट हुई है, कि जिसके आधार पर एक FIR पंजीकृत कर ली गई है समुचित धाराओं में और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी उन्होंने जो भी बातें लिख कर दी हैं हमको तहरीर पर, उसके आधार पर FIR भी पंजीकृत कर ली गई है, उसका मेडिकल भी करा दिया गया है व आगे की कार्रवाई प्रचलित है। इसके अंदर जो भी उन्होंने बातें बताई हैं सभी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं अपनी तहरीर में और समुचित धाराएं भी उसमें लगाकर उसके बाद FIR की गई है।